साहब काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे साहब लोगों से बात कर लो, उनके सामान देना मेरा बहुत जरूरी है। मैं अपने एक एन है मिस्टर आर्य पटेल, उनको मैं अपने साथ लिया और वहाँ एक स्पेशल क्रॉसिंग डालकर उसका डायरेक्ट एंट्री का बंदोबस्त किया, जिसने रेलवे में मेरे को बॉम्बे में बुलाकर अवार्ड दिया। उसके बाद में दूसरा अवार्ड जो मिला वो मेरे को रेलवे वीक में दिया गया। वो देखो मेरे को 5-6 अवार्ड दिए गए, बताने का कोई मतलब ही बंदा है। मेरे को GM अवार्ड भी मिले, 16-6-73 को मेरे को अवार्ड मिला। मतलब कोटा डब्ल्यू में मैं जब काम करता था तो मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था और मेरे को अरेंजमेंट भी करना था, काम भी करना था। उस वक्त मैंने बहुत मेहनत से काम किया, जिसलिए मेरे को GM अवार्ड मिला। बाद में मेरे को और भी अवार्ड मिले, GM मेमोरी अवार्ड मिला जब मैंने कन्वर्शन किया। और ब्रिटिश के टाइम में मैं केली देवी कोटक केला देवी और कोटक के बीच में जब फ्लड आ गया, उस फ्लड का मैं इंचार्ज था। मेरे अंडर में 82 APW जो डिफरेंट रेलवे से आए थे और वहाँ के लोकल PW थे जो मेरे से सीनियर थे, तब भी मैं उनसे सबसे सीनियर माना गया और सारा काम मैंने मेरे कंट्रोल नहीं दिया था। उस वक्त आप मानोगे नहीं, जब उस फ्लड में मैं काम करता था कितनी मुश्किल थी, गाड़ियाँ आती थी 73 वैगन रबल की आती थी जिनको खड़ी करने में बहुत दिक्कत लगती थी। मेरे को चीफ इंजीनियर बोलते बाधा जी कैसे करोगे, मैं बोला कर लूँगा। उस वक्त कम कम नहीं, मेरे पास 5 से 10 हज़ार लेबर थी। तो रात के दिन काम करते करते तब उन्होंने मेरे को स्पेशल कोच वहाँ किला देवी में रखवा दिया और मेरे को बोला आप रात दिन यहीं रहा करो और ये ब्रिटिश का काम जो है उसको पूरा करो। हमको 1.5 साल लग गया उस ब्रिटिश को पूरा करने के लिए। मैं आपको क्या बताऊँ, सारी रेलवे जो गाड़ियाँ थी वो सेंट्रल रेलवे की तरफ से जाती थी, मथुरा से उसका बाइफरकेट करते थे, वो सेंट्रल रेलवे से बॉम्बे जाती थी। 1.5 साल तक ये 1.5 साल तक ये गाड़ियाँ बंद रहीं और हम लोग काम करते रहे। हमारे पास हमारा एक दोस्त था साथ में राजकुमार, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा, वो मेरे से सीनियर थे, वो बॉम्बे में थे चीफ PW, मैं अहमदाबाद में चीफ PW था, नहीं यहाँ भरतपुर में चीफ PW भरतपुर रहा था। तो तब मेरे को ये सारा काम करने को मिला। मैं आपको क्या बताऊँ, एक जगह परिचित में ऐसा काम हो गया, मैं जब मेरे को मालूम पड़ा कि पानी आने वाला है, कलेक्टर अनाउंसमेंट कर रहा था आप ऊंची जगह पे चले जाओ, तो मैं ट्रॉली करके आ रहा था तो मैंने देर आवाज़ सुनी कि कहीं पानी आ रहा है। मेरा जो एरिया था किला देवी बयाना, ये फ्लड अफेक्टेड एरिया था। तो मैं आपको क्या बताऊँ, उस वक्त पानी मैं कहता कहता जब ये बयाना पहुँचा तो पीछे पीछे हमारी गाड़ी आ गई, राजधानी नहीं फ्रंटियर मेल। और फ्रंटियर मेल आई तो मैंने कंट्रोल को बोला देखो अभी फ्लड आने वाला है जिसका लेवल बयाना के प्लेटफॉर्म तक आएगा, आप इस गाड़ी को वापस बैक कर दो। तो मैंने इंजन को रन ऑन करके उसको वापस किया, मेरी ट्रॉली भी उसने लोड की और मैं वापस उस गाड़ी को केला देवी छोड़ के फिर मैं वापस अपने सच्चे में चला गया। मैं जब वेट ही कर रहा था इतने में तो फ्लड इतना दूर आ गया कि उस फ्लड को और इतना गांव जो बाजू में थे वो भी सब डूब गए और हमारा जो गेटमैन का हटमैन था उसका दरवाजे तक बंद हो गए। उस रेलवे ट्रैक के ऊपर 7 फुट मूर्ति आ गई। बाद में इसको रेजिंग करके इसका हाई लेवल किया और ठेकेदार का भी बहुत नुकसान हुआ, रेलवे का भी बहुत नुकसान हुआ। आप मानो नहीं, इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए मैं और राजकुमार दोनों पानी के अंदर घुस जाते। और सबसे पहले जो इंस्टेंस हुआ, एक होम पाइप था जिसका स्कावरिंग 60 फीट हो गया, उसको भरने के लिए हमको कम से कम 1 हफ्ता लग गया। आप मानो कि 70 गाड़ियाँ रोज रबड़ की गाड़ियाँ होती थी
और 70 गाड़ियों को रोज खाली करके रात को भरना, दिन को भरना, कम से कम 5 से 10 हजार लेबर थी काम करती थी। 8 दिन के बाद में मैंने अपने ड्राइवर को बोला, चेक करो भाई नीचे तक कहाँ तक भरा है। और उसने चेक किया तो वो तो पानी में पूरे बांस के साथ डूब जाता था। तो मेरे को ऐसा लगा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते अगले 2 दिन में वो जो है दिखने लग गया पत्थर। उसी दिन चीफ इंजीनियर आ गए तो बोले बाबा देखो एक बात है, ये तो चलता रहेगा, ट्रैक का ज़्यादा टेंशन नहीं मत करो, लेकिन तुम इस ट्रेन को आगे करके लो, क्योंकि ये रबर जो है ना आगे तक जाएगी। ये 7-10 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको अपने को रबर पे ही रखना पड़ेगा। तो मैंने उसी हिसाब से उस ट्रैक को जैसे तैयार किया और उसको ट्रैक करके मैं मनोनी में डरते डरते उस गाड़ियों का कोच ऐसा लेवल कर दिया कि सब गाड़ी को बड़ी मुश्किल से निकाला। और उसके बाद में ऐसा तैयार किया कि हमारे एक लाइट इंजन भी उसको आगे तक रोज खड़ी करने जाता है 70 गाड़ियों का, और फिर वापस आता है। हम 1.5 साल उस ट्रैक को उठाने में लगा दिया। 1.5 साल करने के बाद में हमने उसको ऐसा रखा कि पानी भी निकलता रहा और ट्रैक भी चलता रहा, तो अपना काम भी करते रहे। उसके बाद में चीफ इंजीनियर ने बोला कि भाई भारद्वाज जी एक जगह से ये पानी निकालो, नहीं तो सारे ट्रैक में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं और राजकुमार गए, हम लोगों नीट बैग सीमेंट की मिली। उन्होंने बोला आप सीमेंट की कुछ भी बैग लेते आप इस पानी को डाइवर्ट कर दो। हमने बड़ी मुश्किल से उस जगह को क्लब किया, एक जगह नाला बनाने जैसा कर दिया, तो एक जगह पानी निकलने लगा, ट्रैक तैयार हुआ। 1.5 साल के बाद भी फिर हमने अपनी गाड़ियाँ वेस्टर्न रेलवे की, इससे ही निकलना कर दिया। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना दूर का फ्लड आया था, एक गंभीर नदी है उसके नीचे से उसका गर्डर नीचे से निकल के 5 किलोमीटर आगरा साइड में चला गया। आप ये मानो कि एक 22 टन का गर्डर इतनी दूर तक 5 किलोमीटर तक बैर के चला गया पानी में, तो क्या हाल हुआ। वो बयाना से आगरा जो गाड़ी लाइन जाती वो भी बहुत डैमेज हो गई, उसका भी साथ साथ तैयार किया। लेकिन सबसे पहले मेन लाइन जरूरत थी, इसलिए पहले मेन लाइन को तैयार किया। 1.5 साल में तैयार करने के बाद मैं वहाँ से ट्रांसफर होके मेरी स्पेशल ड्यूटी लगी एक मिस्टर चीफ इंजीनियर से। उन्होंने बोला, मेरे एक पुराने एक्सीन थे एंगर साहब, उन्होंने बोला चीफ इंजीनियर को अगर आपको मेरे को गांधीनगर का सेक्शन काम तो रीज कराना है चीन इंजन में, तो बाद जो ये दूसरा लड़का था गुरुजी इनको ट्रांसफर करके मेरे सेक्शन में भेज दो। तो हमारी ट्रांसफर 1973 में वहाँ हो गई। और मैं उसके बाद मैं खुलेआम में रहने लगा। खुलेआम में रहते रहते मैंने फिर मेरी ट्रांसफर पटवारी यार्ड में भी हुई, पटवारी यार्ड से अहमदाबाद में ले आए, अहमदाबाद यार्ड में भी किया। बस हरवाल यार्ड में बहुत बड़ा काम था, असारवाल यार्ड में रिमॉडलिंग की, पटवारी यार्ड का काम किया। इसलिए साथ साथ में मैं शाहीबाग वीरगांव का काम भी करता रहा। तो वो ये सब काम करते करते मेरे को फिर चीफ इंजीनियर ने ट्रांसफर नहीं किया। मैं 1973 में जाने के बाद 1996 में वहाँ अहमदाबाद से ही रिटायर हुआ। और 1996 रिटायर होने के बाद फिर मैं मेरे घर आ गया, मेरे बच्चे यहाँ बोल में मेरी विषय सीनियर टीचर रेलवे स्कूल में थी, वो भी जो है 2003 में रिटायर हो गई। मेरे बच्चों ने पहले से ही काम चालू कर दिया था, तो मैं इनको कुछ हेल्प भी करता, साथ साथ में सोशल वर्क भी करता, जैसे कॉलोनी का अच्छा इसको स्मार्ट कॉलोनी बनाना, सिटी का काम करता, स्मार्ट सिटी बनाना, रोड कैसे डेवलप की, ये सब काम किया। इसके करने के बाद देखो ऐसा है लाइफ है, उसके बाद में मैं रिटायर होने के बाद फिर मैंने सोशल वर्क भी करने चालू कर दिया। उसमें मैंने वो काम करने के साथ साथ यहाँ मुक्ति धाम बनाना था, क्योंकि आबू रोड में कोई भी इको कॉलोनी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इको कॉलोनी की
जो आदमी की डेथ हो जाए उसको ले जाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जो शमशान घाट था वहाँ जाना पड़ता। तो मैं रोज आराम से बोलता, हमने यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं की है, ना तो मंदिर बनाया जिसमें लेडीज को जाना पड़ता है, और हम उनको हर शिव जी के मंदिर पे जाने के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर या एक फैक्ट्री है वहाँ जाना पड़ता है, और ना यहाँ चारदीवारी नहीं है भी नहीं है, इसका प्रोटेक्शन नहीं है, और पानी बरसात में इतना खड़ा हो जाता है, सब लोग बहुत परेशान मेरे को आके बोलते हैं। तो मैंने आपको आपकी ये सारी बातें बता दी हैं, आप इनका सबका अरेंजमेंट करो, और मुक्ति धाम के लिए फिर मैं आज तक कोशिश करता जा रहा हूँ, और आज तक वहाँ के लोग इतनी नकमी है, वो उन्होंने गोचर जमीन को ऑक्यूपाई करके बनाई हुई है, लेकिन मेरे को मुक्ति धाम की जमीन मिलने के बाद भी नहीं, मेरे को 12 से 13 साल हो गए, फिर वहाँ के कुछ ऐसे शैतान लोग थे बेकार, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, और वो केस आज कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही मेरे को फ्री होगा कोर्ट से आर्डर मिलेंगे, मैं इसको मुक्ति धाम बनाने के लिए प्रण किया हुआ बना के अपना प्राण छोड़ूँ। बस ओके, थैंक यू।